इंस्टेंट गाजर का अचार बहुत ही इजी है बनाना। इस तरह से बनाएंगे तो 8 दिन रखकर खा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे गाजर का अचार, वो भी इंस्टेंट झटपट से। तो 200 ग्राम गाजर लिए हैं और इसे धोकर साफ करके लंबे लंबे शेप में काट के मैंने आधे घंटे के लिए धूप सिकाया है इसे, ताकि इसका जो पानी है वो उड़ जाए और गाजर जल्दी खराब ना हो। और तिल लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर लिया है 1.5 टीस्पून, और धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, हल्दी स्मॉल स्पून लिया है थोड़ा सा, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। कलौंजी 1 टीस्पून, तो कलौंजी ज्यादातर अचार में ही डलता है, अगर आपके पास है तो आप डालिएगा, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। डालेंगे तो हेल्थ के लिए भी बढ़िया है और साथ ही इसका और भी अच्छा लगेगा। तो जो मैंने मसाले दिखाए थे ना, उन मसालों को और हरी मिर्च सबको इसी में डालकर, गाजर में डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो मैंने सरसों का तेल और विनेगर दिखाया था दोस्तों, वो भी इसी में डालेंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको इस अचार को ज्यादा दिन रखने के लिए बनाना है तो आप इसमें मस्टर्ड ऑयल ज्यादा यूज कीजिएगा। ज्यादा मतलब एक कटोरी, जो एक कटोरी दिखा रही हूँ मैं, इस पूरी कटोरी को आप मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिएगा तो वो बहुत दिन रहेगा, कम से कम 2 से 3 महीने रहेगा। तो उस तरीके से भी बना के दिखाऊंगी एक बार जरूर मैं।